बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। राज्य को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के रूप में। ये नया एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा और बिहार के बड़े हिस्से से होकर जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का 416 किलोमीटर हिस्सा उत्तरी बिहार के 10 जिलों से होकर जाएगा। फिलहाल अभी इस नए एक्सप्रेसवे का बजट निर्धारित नहीं हुआ है, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में राज्य को भी हाई स्पीड रोड के जरिए पड़ोसी राज्य से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने एक नए एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली तौर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का टेंडर जारी किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बिहार के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाना बेहद आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार के 10 जिलों से होकर जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा बिहार में ही होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे का लगभग 416 किलोमीटर हिस्सा उत्तरी बिहार से होकर जाएगा, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा जो बिहार के लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से आपके शहर में क्या क्या बदलाव आएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।